नमस्कार, इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं वंदना सरोही और खबरों की आप बात करेंगे तो मणिपुर हिंसा को लेकर, मणिपुर की उस घटना को लेकर जिसका वीडियो वायरल हुआ, पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है, सड़क से संसद तक इस पर हंगामा छिड़ा हुआ है। ये भी आपको बता दें कि वहाँ पर कानून व्यवस्था को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जिस वक्त ये घटना हुई थी, 4 मई की घटना बताई जा रही है, जो दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस वक्त पुलिस उन महिलाओं के साथ मौजूद थी। ये बताया जा रहा है कि कुछ लोग, 5 लोग थे जो कि पेड़ के पीछे छुपे हुए थे, जो भीड़ वहाँ पर तमाम हथियारों के साथ पहुँची थी, उसमें 5 लोगों ने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। 3 महिलाएँ थीं, 2 पुरुष थे। किसी तरह से वो पुलिस के पास जाते हैं और पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में बिठा लेती है। उसके बाद वो भीड़ पुलिस से उन 5ों को छीन लेती है, पिता पुत्र की हत्या कर देती है, और 3 महिलाओं के साथ जो दरिंदगी होती है वो पूरे देश ने वीडियो के जरिए देखी है। ये बेहद शर्मनाक घटना है, इसको लेकर पूरे देश में इस वक्त गुस्सा है और हर कोई ये चाहता है कि मौत की सज़ा से कम मंजूर नहीं है, किसी भी तरीके से गुनहगारों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। खुद पीएम मोदी भी कह चुके हैं कि बहुत ज़्यादा उनके हृदय को पीड़ा हुई है, वो क्रोध में हैं और वो चाहते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई इस मामले में की जाए, कि सभ्य समाज के लिए ये बहुत बड़ा कलंक है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी हैं विक्रम सिंह, उनका ये कहना है कि 2 महीने बाद इस मामले पर, इतने जघन्य मामले पर 2 महीने बाद FIR होती है, और पुलिस की मौजूदगी में जब ये पूरी घटना हुई थी तो उस वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया गया। उस वक्त अगर पुलिस मजबूर थी, क्योंकि भीड़ तंत्र उन पर हावी हो गया था, हालांकि जो पीड़ित है उनका ये कहना है कि पुलिस मूक दर्शक बनी रही, तमाशा देखती रही, बचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन अब 2 महीने बाद जब FIR हुई है तो आगे कितनी सख्ती से इस मामले पर कार्रवाई होगी ताकि दोबारा इस तरह की खौफनाक और जघन्य घटना हिंदुस्तान में ना होने पाए, क्योंकि पूरे देश पर ये कलंक है, सभ्य समाज के लिए के मुंह पर तमाचा है इस तरह की घटना। ह्यूमैनिटी को इस तरह से शर्मसार किया इस घटना ने। पूरा देश चाहता है कि सख्त से सख्त सज़ा जल्द से जल्द इन गुनहगारों को मिले, और खुद पीएम मोदी भी, क्योंकि इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, देखना होगा कि किस तरीके से इस मामले पर डील किया जाएगा ताकि दोबारा इस तरह की घटना ना हो।